इसकी माँ ने क्या किया था मेरे पापा के साथ? पापा की पीठ पे चाकू घूम दिया था। हाँ, मेरे पापा ने भी कहा था कि मेहर कौर खूनी है। ये क्यों है? कलेश करके आया किसी के साथ? कोई युविश, कोई उसका नाम बता जिसने किया। ओ चाचे, ये पूछ मैंने उस सपोली शहर का गिल का क्या हाल किया है। दादी, मैंने बोला था ना आज कांड करके आऊंगा। चलो, कर दिया कांड। आज वो तीनों सपोले अपनी जिंदगी में ये दिन कभी नहीं भूलेंगे। और लिख दिया तूने? आओ दादी, जैसे आपने बोलता वैसे। शाबाश मेरी शेर, शाबाश। सही कह गए ने सियाने, जब क्यों सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आज मेहर के तीनों बच्चों को उसकी असलियत का पता चल गया है। बस उनके अंदर का जहर ही मेहर को मारने के लिए काफी है। और जब उसके बच्चे ही उससे नफरत करने लगेंगे, उसका परिवार अपने आप ही कमजोर पड़ जाना है। वो नहीं पड़ेगा। शाबाश, वंडरफुल जी, वंडरफुल। सब झूठ बोल रहे थे। मेरी मेहर मामा सबसे अच्छी है, वो किसी को इतना सा भी हर्ट नहीं कर सकती, तो खून क्या करेंगी? बताओ ना बुआ, सब झूठ बोल रहे थे ना? बोलो ना बुआ, यू भी झूठ बोल रहा था ना? मेरी मेहर मामा ने जग्गा मामा का खून नहीं करा ना? प्लीज बोलो ना बुआ। नहीं पुत्र जी, किसी ने भी झूठ नहीं कहा आपसे। यूवी और सारे बच्चे सच कह रहे थे। आपकी मेहर मम्मा ने जग्गा मामा का मर्डर किया था। नहीं, तो आपको क्या लगा था कि 5 सालों के लिए अचानक से आपकी मेहर मम्मा कहाँ गायब हो गई? मैं बताती हूँ, 5 सालों तक आपकी मेहर मम्मा जेल में थी। नहीं दी, प्लीज, बच्चा है परम। समायरा बच्चा है तभी तो सफर कर रहा है, इसे भी तो पूरा हक है सच जानने का। इसे भी तो पता चले कि जिस मेहर मम्मा को ये रब मानता है उसकी असलियत क्या है। लेकिन दी, लेकिन क्या? मेहर का पास हम बच्चे से कब तक छुपाते रहेंगे? देखा नहीं आज क्या हुआ? परमपुत्र, अब आप इतने भी छोटे नहीं हो कि चीजों को समझ ना सको। आपके लिए सच जानना बहुत जरूरी है। आपकी मेहर मामा ने आपसे झूठ बोला था। हाथ से ठीक 5 साल पहले मेहर और आपके जग्गा मामा में झगड़ा हुआ था। एक दूसरे को धमकी दी थी दोनों ने। पीजी, प्लीज, तुसी चुप होने हो या नहीं? मेहर, तू बीच में मत बोल। खबरदार, आपने सरबजी जी के खिलाफ कुछ भी कहा तो मैं भूल जाऊंगी आप कौन है। खून करेगी मेरा तू? क्या कर रहा है कतल? बता मेरे को, कर दे कतल मेरा। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, मेहर कौर गिल ने ही अपने बड़े भाई जगजीत सिंह ढिल्लो उस जग्गा का कत्ल किया है। यही सच है। किस्मत दे सर, पुत्र, बस रोना नहीं। कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। और यूवी तो कुछ भी बोलता है, उसकी बात का बिल्कुल ध्यान मत देना। आपको पता है आपके पापा अपनी प्रिंसेस के लिए क्या लेकर आए हैं? पता है? हाँ? अच्छा, आपको पता है आपकी मेहर मम्मा वर्ल्ड्स बेस्ट मम्मा है ना करण पुत्र? मेहर जी, आपको पता है मैंने अपनी प्रिंसेस के लिए उसका रूम सजाया है,
और मुझे तो उसका फेवरेट कलर ही नहीं पता था। फिर मुझे एकदम से याद आया और फिर मैंने उसके रूम के सारे कर्टन्स। मामा खूनी हो। ओए खूनी, ये देखो क्या लिख दिया यूवी ने। सॉरी, मेरी वजह से आपको इतना सब कुछ। सॉरी। रिलैक्स मेहर जी, संभालिए अपने आप को, मैं करता हूं। I'm really sorry. सॉरी? सॉरी तो गलती करने पे बोलते हैं ना मम्मा। दैट मीन्स आपने गलती की है, अब सच में खूनी हो। मैं खूनी नहीं हूँ। सुना आपने, मैं खूनी नहीं हूँ। झूठा ब्लेम लगाया गया था मुझ पे। मैं खूनी नहीं हूँ। अगर मैंने खून किया होता तो कोर्ट मुझे छोड़ती क्या? परमुत्तर, आपकी मेहर मम्मा ने कोई खून नहीं किया। आपको पता है ना, आपकी मम्मा कभी झूठ नहीं बोलती है। आपको लगता है आपकी मेहर मम्मा ऐसा कुछ कर सकती है? नहीं ना, मैंने सच में कोई खून नहीं किया। मुझे पता है आपने कोई खून नहीं किया, लेकिन आपने झूठ बोला। झूठ? क्यों मैं मम्मा, क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? पर मुत्तर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मम्मा ने कोई 5 साल कहाँ थे आप? मम्मा कहाँ थे आप? पर मुत्तर, पापा आपने भी झूठ बोला था मुझसे कि मैं मम्मा पापा जी के पास चली गई थी। Why papa? Why you lie to me? अब 5 साल तक जेल में थी, फिर अब कश्मीर चली गई। ऐसा नहीं है परमुत्तर, मेहर मामा कश्मीर इसलिए गई थी क्यों? मुझे लगा था कि मैं मेहर जी, संभालिए अपने आप को, प्लीज। परमुत्तर, ऐसा नहीं है। कई बार किसी की भलाई के लिए झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेहर मामा ने झूठ बोला। और फिर मेहर मामा आपसे बहुत प्यार करती है। कश्मीर में इन्होंने मुझे अपना नाम सीरत बताया था। मैं इनको ढूंढते ढूंढते उन बर्फीले पहाड़ों पे भी गया। ये मेरे पास थी, तब भी इन्होंने मुझे नहीं बताया कि आप मेरी मम्मा। आपने पापा से भी अपना फेस कवर किया। आप मुझसे प्यार नहीं करती क्या? ऐसा नहीं करण पुत्र, मेहर मामा आपसे बहुत प्यार करती है। मेरे पापा तो वो दूर बर्फीले पहाड़ों के पीछे रहते हैं, यही कहा था ना आपने। लेकिन मेरे पापा यहाँ रहते हैं। मुझे झूठ क्यों बोला आपने? क्यों क्यों मुझे इनसे दूर रखा? क्यों? बच्चों, अभी आप बहुत छोटे हो, इसलिए आपकी समझ में ये बात नहीं आएगी। लेकिन मेहर मम्मा ने कभी कोई झूठ नहीं बोला। Excuse me, से... पापा, मुझे सब समझ में आता है। इनफैक्ट सब समझ में आ चुका है। कि चली जाओ इस घर से, मत बर्बाद करो मेरे परिवार को। कल नहीं तो आज ये होना ही था। इसी का डर था मुझे, तुम्हारा मनहूस और दागदार अतीत मेरे सरब और मेरे परम की जिंदगी बर्बाद कर देगा। वही हुआ आज।
अच्छी भली समायरा से शादी कर रही थी मैं सरफ की, ताकि हम चैन से जी सके, लेकिन तुम्हारे गुना की परछाई, गुना कोई गुना नहीं किया है मैंने, मैं भी गुनाह हूँ। और किस बात की सजा जो मैंने किया ही नहीं, उस गलती की सजा भुगती है मैंने। ये आपको सिर्फ अपनी तकलीफ अपनी परेशानियां दिखती है ना, पांच साल जेल में गुजारे हैं मैंने, क्या कुछ गलत नहीं हुआ मेरे साथ, कितना अन्याय हुआ, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन आपको तो उसमें भी खोट नजर आता है। मैं अपने पति से अपने बच्चों से 5 साल के लिए अलग हो गई, उसका क्या, मेरी सारी खुशियां मेरी पूरी जिंदगी उजड़ गई, उसका क्या, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से थी मुझे अपने पति अपने बच्चों से दूर रहना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा अपने बच्चों से सिर्फ आपकी वजह से, लेकिन आप है कि खबरदार जो अपनी गलती का ब्लेम मुझ पर डाला तो कोर्ट के फैसले से समाज की नजर को नहीं बदल सकती तुम, देखा ना आज तुमने क्या हुआ, ये कल भी होगा, ये परसों भी होगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक तुम इस घर में रहोगी, क्योंकि तुम्हारे रहते हम में से कोई भी खुश नहीं रह सकता। अगर अब भी तुम स्टॉप इट, इसमें मेहर की कोई गलती नहीं है, प्लीज मेहर रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, हीट ऑफ द मोमेंट में कोई कुछ भी बोल देता है, जस्ट गिव इट सम टाइम, अभी बच्चों को तुम्हारी जरूरत है, प्लीज वहां जाओ। मुझे ना दुनिया से और ना ही समाज से कोई फर्क पड़ता है, मेरे लिए मेरे बच्चे और मेरे पति से बढ़कर और कुछ नहीं है, मैं अपने बच्चों को समझाऊंगी और वो समझेंगे भी। परम, करण, सहर, प्लीज दरवाजा खोलो, बेटा एक बार मम्मा की बात तो सुन लो, परम प्लीज। परम, करण पुत्र, प्लीज दरवाजा खोलो, परम। परम, करण, सहर, प्लीज मेरी बात तो सुनो, आई नो मैंने आप लोगों से बहुत सारी चीजें छुपाई हैं, लेकिन मैं मजबूर थी, इतना मजबूर कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, प्लीज एक बार दरवाजा खोल दो, मैं आज आपको सारा सच बता दूंगी, प्लीज आप अपनी मम्मा को एक चांस भी नहीं दोगे क्या? नहीं। लेकिन परमपुत्र क्यों? क्योंकि आप लोग फिर से कोई झूठी कहानी बना दोगे, आप सब लोगों को कहते रहते हो ना देखकर झूठी कहानियां सुनाते हैं, रॉन्ग, आप झूठी कहानियां सुनाते हो, आप दोनों चले जाओ यहाँ से, प्लीज मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी। मर्जी, संभालिए अपने आप को। परम, परम प्लीज ओपन द डोर। आई एम रियली सॉरी पापा, मैं आज के बाद आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा और ना आपसे कोई बात करूंगा। रिलैक्स मेहर जी, संभालिए अपने आप को मेहर जी। यूवी और सारे बच्चे सच कह रहे थे, 5 सालों तक आपकी मेहर मम्मा जेल में थी। ये जो कुछ भी हो रहा है वो एक ना एक दिन तो होना ही था, कि सब हमें फेस करना था, आप ये जानती हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि जब सरब और मेहर होसा तो जीत लेंगे कोई भी जंग, इसलिए हर बार की तरह हम इस मुश्किल से भी लड़ेंगे और उसे जीतेंगे भी। नहीं सरब चीची, मैं हार गई हूं, आज मैं सच में हार गई। फौजी की बेटी हैं आप और हारना आपके खून में ही नहीं है, इसलिए जाइए और आप अटारी फ्रंट संभालिए, या मैं सबको संभालता हूँ। हजूवी ने जो कुछ भी किया है वो बहुत ही गलत किया है और ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए आप उसके पास जाइए, उसे समझाइए और उसके दिमाग में जो भी गंद भरा हुआ है ना उसे साफ कर दीजिए, और अपनी मम्मी जी को भी समझाइए कि कोर्ट इक्विटी का मतलब होता क्या है। सिर्फ जी, आपको लगता है मम्मी जी समझेंगी? उन्हें समझ नहीं होगा मेहर जी, वो आज तक जग्गा जी की मौत के सदमे में है, ये बात सोचकर मैं चुप रहा, लेकिन अब बात मेरी बीवी पर और मेरे बच्चों की इमेज पर है मेहर जी,
और इसलिए मम्मी जी को समझना होगा, और अगर वो इस बार भी नहीं समझी ना तो मुझे ना चाहते हुए भी ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो सब पर बहुत ही भारी पड़ेगा मैं जी। इसलिए सब कुछ आप पर डिपेंड करता है मैं जी। आप जाइए और मम्मी जी को समझाइए, और अगर वो नहीं समझी तो उन्हें मेरी तरफ से चेतावनी दे दीजिएगा कि सरबजीत सिंह गिल चुप रहने वालों में से नहीं है। दी, आपने ठीक नहीं किया। तीनों बच्चों ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया और कुछ खाया भी नहीं है बेचारों ने। इसकी रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं, मेहर है। लेकिन दी, समायरा प्लीज, तुम सिर्फ सरब के साथ रहो, उसे तुम्हारी जरूरत है, ना कि उस मर्डर मेहर की। बट दी, जब कोर्ट ने मेहर को बाइज्जत रिहा कर दिया है तो फिर आप? समायरा, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। मैंने जिस डर से सरब की दोबारा शादी कराने का फैसला लिया था, आज वो डर हकीकत बन चुका है, हमें डरा रहा है। समायरा, आज के बाद कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, और तुम कौन गलत है कौन सही है इस सब में मत पड़ो। तुम अपना ख्याल रखो कि तुम्हारे लिए क्या सही है और तुम्हारे लिए क्या गलत है। बच्चे भूखे हैं, मैं देख कर आती हूँ उन्हें। अमृता भाभी खोलेंगी अटारी का पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो फिर गल पक्की? पक्की। मम्मी जी रुकिए। मम्मी जी प्लीज प्लीज रुक जाइए। हमको रखिए, सो रुक जाइए। मम्मी जी रुकिए। बस करो मम्मी जी, आपको रब का वास्ता है, बस करो। इतना जहर भर रखा है आपने अपने अंदर कि खुद की औलाद को मारना चाहते हो। क्यों, किस बात की सजा दे रहे हो आप मुझे, उस खून की जो मैंने किया ही नहीं? अगर आपने अपना बेटा खोया है ना, तो मैंने भी अपना भाई खोया है। सच जाने की अगर जरा सी भी इच्छा है ना, तो एक बार कोर्ट का ऑर्डर उठा के पढ़ लो, वो सब पता चल जाएगा कि उस दिन हुआ क्या था। कोर्ट ने सारे गवाह सारे सबूत देखने के बाद ही मुझे है, मैं तो कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि उस दिन मेरे जग्गा ने मुझे फोन किया था। धोखा? ओ की कह रहा है तू पुत? धोखा मुझे। किसने दिया धोखा बेटा, किसने? मेरी? सब सबूत, सब गवाह सारे झूठे हैं। मम्मी जी, मैं कुछ नहीं सुनना, मैंने बस निकल जा मेरे कारों, तुम आओ जा मेरे कारों। पैर मारी थी दो पैर पे, चोरी की चार कंधों पे। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.